गृहस्थ भी तो साधु हो सकता है, व्हाई नॉट, जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज जो तव पाद पद्म ध्यानात् निर्वृत्ति तनुभृताम, जो भी देहधारी है और वे आपके चरण कमलों का के ध्यान से कथा श्रवणेन वा भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। तो जो आनंद आपके कथा श्रवण में है, कथा श्रवण में स्वादु स्वादु पदे पदे जो आस्वादन भगवान की कथा में है, और भगवान कथा में कितना स्वाद या सुख या आनंद है जितना भगवान में है, भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के कथा में ये जो आनंद, भगवान के नाम में ये जो आनंद, नामानंद, नामानंद, भजनानंद, ये श्रवण, श्रवणानंद, इसमें आनंद ही आनंद है। तो इसमें, इससे जो आनंद प्राप्त है सा ब्रह्मणी, वो आनंद निर्गुण निराकार के सिद्धि में या ब्रह्म ज्ञानियों को नहीं है, वो ब्रह्मानंद, उनका ब्रह्मानंद तुच्छ है। भगवत कथानंद, भगवत कीर्तनानंद, भगवान में जो आनंद है वो आनंद ब्रह्म में नहीं है, या ब्रह्म ब्रह्मानंद में नहीं है। yes. किसी में भी नहीं है। स्वर्ग आनंद, स्वर्ग में पहुंच गए तो उसमें भी आनंद नहीं है। ध्रुव महाराज कह रहे कि वो स्थिति शाश्वत नहीं है, कोई भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये भुक्ति कामी, भुक्ति कामी, भोग की कामना, और इसके लिए फिर कुछ यज्ञ, कुछ विधि विधान, स्वर्ग प्राप्ति, ये भुक्ति कामी, कामी या कामी के देगा, कामी या कर्मी कहते, कर्मी, खुद का कर्म करो उसका फल खुद ही भोगो, उसको कर्मी कहते, कर्मी। संसार में कई सारे कर्मी मिलेंगे, या क्या कहा उन्होंने, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऐसा भी एक प्रचार है। चारवाक परंपरा, चारवाक वे भी अपने प्रकार के ढंग के मुनि थे। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीते हो सुख से जीवो, लेकिन पैसे नहीं, धन राशि, धन नहीं है, ऋणम कृत्वा ऋण निकालो,